नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सभा में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। और हम गूगल अर्थ का यूज करेंगे उसको देखने के लिए। तो गूगल अर्थ के यूज से हम काफी आसानी से टॉपिक को समझेंगे। तो ये हमारा गूगल अर्थ है, और चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दुनिया के जो सबसे 10 बड़े सागर कौन से हैं। सागर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सी, तो उसको हम देखेंगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे वीडियोस आते रहते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दुनिया के जो 10 सबसे बड़े सागर हैं उनको हम देखेंगे वीडियो में। तो उसमें पहला हमारा है फिलीपीन सी बोलते हैं जिसको। फिलीपीन सी नाम से लग रहा है कि ये फिलीपीन नाम का जो देश है इसके आसपास होगा। तो देखते हैं क्या क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। द फिलीपीन सी इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा ये आपको, बॉर्डर्ड बाय द फिलीपींस, ताइवान एंड मेरियाना आइलैंड। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 5 मिलियन मतलब 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है गाइस। मतलब ये 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। भारत का एरिया कितना है? 32 है, 32,87,000। तो समझिए भारत का जो एरिया है उससे भी बड़ा ये समुद्र है। तो अभी इसको हम मैप पे देखते हैं। तो गूगल अर्थ पे चलते हैं। तो ये हमारा भारत है, और यहाँ पे अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक कई सारे द्वीपों का समूह है, आइलैंड का चेन है जिसको हम बोलते हैं फिलीपींस। तो यहाँ पे आपको फिलीपींस दिख रहा होगा गाइस। अभी ये फिलीपींस के कई सारे आइलैंड हैं, और यहाँ पे आपको ताइवान नाम का देश दिख रहा होगा, ये ताइवान है और ये है फिलीपींस। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ताइवान और फिलीपींस के पूर्व में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा सागर है जिसको हम बोलते हैं फिलीपीन सी, और ये बड़ा भी है और काफी गहरा भी है। जो जो आपको नीला भाग दिख रहा है वो फिलीपीन सी है। इसके इधर आप देखोगे तो यहाँ पे चाइना पड़ता है, ऊपर यहाँ पे जापान है, और मेरियाना आइलैंड कहाँ पे है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरियाना आइलैंड ये रहा। इसमें आपको कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स दिखेंगे मेरियाना आइलैंड के फॉर्म में, और ये आपका फिलीपींस ही है। तो इसकी लोकेशन हमने देख ली कहाँ पे है, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, यानी कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में। और आपका प्रशांत महासागर ये पूरा बड़ा सा है, प्रशांत महासागर। तो ये आपका फिलीपींस ही है। अभी दूसरे सी की तरफ चलते हैं गाइस। तो देखते हैं दूसरा सी कौन सा है। दूसरा सी है कोरल सी, जिसको हम कोरल सागर हिंदी में बोलते हैं। द कोरल सी इज सिचुएटेड ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है या ऑस्ट्रेलिया देश है उसके उत्तरी पूर्वी भाग पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, इसके द्वारा इसको घेरा गया। मतलब ग्रेट बैरियर रीफ भी आपको इसी के छोर पे मिलेगा। इट स्पेन्स एन एरिया ऑफ 48.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। करीब 48 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, मतलब भारत के क्षेत्रफल से ज्यादा है ये। तो अभी इसको देखते हैं दोबारा। सबसे पहले मैं इसको जूम आउट करता हूँ, और अभी हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ये बड़ा सा महाद्वीप आपको दिख रहा है जो ऑस्ट्रेलिया है। अभी ऑस्ट्रेलिया को जूम करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को जूम कर लिया है हमने। अभी इसके हम चलेंगे नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व। तो ये आपका पूरब है, ये ऊपर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है। तो इधर साइड में आपको दिखेगा कोरल सी, यहाँ पे देखिए ये कोरल सी दिख रहा होगा। इसको जूम करते हैं तो ये देखिए ये कोरल सी आपको लिखा हुआ दिख रहा है। और ये कोरल सी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी इलाके में है। ये उत्तर है, ये पूरब है, और इसके उत्तरी पूर्वी इलाकों में आपका कोरल सी है। यहाँ पे आपको कई सारे आइलैंड दिखने को मिलेंगे, जैसे कि न्यू कैलेडोनिया है, ये सब आसपास के आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको और सारे कई सारे सी देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे सोलोमन सी है, एक पपुआ न्यू गिनी नाम से कंट्री आती है, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ग्रेट बैरियर रीफ आपका यहाँ पे है, ये जो दिख रहा है ना लाइन, ये बड़ी सी, ये आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये आपकी दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है। तो अभी हमने इसको देख लिया है, अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले सी पे, कौन सा अगला है। तो ये काफी पॉपुलर है, इसको आप जानते भी होंगे, जिसको हम बोलते हैं साउथ चाइना सी, यानी दक्षिणी चीन सागर।
द साउथ चाइना सी इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, तो ये भी आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ही मिलेगा, मतलब पश्चिमी आपका प्रशांत महासागर है जो वहां पे मिलेगा, जैसे हमारा फिलीपीन सी था, एंड इज बॉर्डर्ड बाई सेवरल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो कुछ दक्षिण एशियाई देश हैं जो इसको घेरते हैं, तो उसमें कौन कौन है, चाइना है, वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया, ये चार जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको नाम ध्यान रखने हैं, चीन, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया, एंड इट हैज एन अप्रोक्सीमेटली एरिया कितना है, 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो ये भी जो है इंडिया का एरिया से ज्यादा है, तो अभी चलते हैं वापस और देखते हैं कहाँ पे ये, तो सिंपली हम चलेंगे, पहले तो हम देखेंगे फिलीपींस ही कहाँ पे था, फिलीपींस ही यहाँ पे था, आता है फिलीपींस के बगल में ये रहा, और अभी हम फिलीपींस को पार करेंगे, फिलीपींस आइलैंड को पार किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ चाइना सी, ये दोनों आपको एक ही मैप में दिख रहा है, ये फिलीपींस ही है और ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में देख सकते हो आप बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको, पहले तो बॉर्डर में एक यहाँ पे वियतनाम नाम की कंट्री दिख रही होगी आपको, ये वियतनाम करके है, और यहाँ पे फिर आपका ये नॉर्थ साउथ कोरिया है, यहाँ पे ये साउथ कोरिया है, ये बड़ा सा देश जो है चीन है, यहाँ पे आपका ताइवान दिखेगा, और ये आपका फिलीपींस है, और यहाँ पे कुछ साउथ चाइना सी में आइलैंड भी है जो आपको ध्यान में रखने हैं, एक है पार्सेल आइलैंड, पार्सेल आइलैंड जो है ये भी साउथ चाइना सी में आता है और काफी विवाद में था, और ये एक है स्पार्टले आइलैंड, तो ये दो आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट है, पहला है पारासेल और दूसरा है स्पार्टले, ये आइलैंड आपको ध्यान में रखने हैं, तो ये आपकी लोकेशन है साउथ चाइना सी की, और इसका एरिया जो है भारत के एरिया से बड़ा होगा। अभी हम चलते हैं दूसरी जगह, अगले लोकेशन पे, तो अगला लोकेशन क्या है, कैरिबियन सी, कैरिबियन सी जो है आपका ये कहाँ पे है, वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन, तो ये हमारे तीनों अभी जो थे वो प्रशांत महासागर में थे, अभी हम चलेंगे अटलांटिक महासागर में, और वहां पे उसके उत्तरी उसके पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा, बाउंडेड बाय द आइलैंड ऑफ कैरिबियन, तो कैरिबियन कई सारे आइलैंड होते हैं, जो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम होती है वो कैरिबियन आइलैंड का ही एक कलेक्शन है, मतलब कई सारे कैरिबियन आइलैंड मिलके आपका वेस्ट इंडीज टीम बनाती है, तो वही आपका कैरिबियन आइलैंड्स है, और वहीं पे आपको कैरिबियन सी मिलेगा, और ये कितना एरिया कवर करता है, ये करीब आपका 27.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 2.75 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, तो ये भारत से कम है लेकिन बहुत मतलब बहुत ज्यादा है फिर भी, तो अभी हम इसको जूम आउट करेंगे और भारत के हम चलेंगे पश्चिमी भाग में, तो यहाँ पे हम ये अफ्रीका महाद्वीप को पार करके यहाँ पे आएंगे, तो आपको दिखेगा बहुत बड़ा सागर है, जो बहुत बड़ा महासागर है जो आपका अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है, और यहाँ पे फिर उत्तरी अमेरिका है, अभी यहाँ पे आपको उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में बिल्कुल यहाँ पे कुछ यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा भंडार दिखेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी के आप आसपास देखोगे तो ये इसके यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण में यहाँ पे साइड में इसके पश्चिम में आपका कौन सा है, पश्चिम में आपका जो है पनामा, कोस्टा रिका, निकारा हुआ, ये सब जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ आइलैंड है जैसे क्यूबा हो गया, जमैका है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सब कंट्रीज हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे यहाँ पे द्वीप हैं जैसे मोंटेफेरा, डोमिनिका, सेंट लूसिया, ग्रेनाडा, बारबडोस, ये सभी जो हैं वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट टीम होती है इसमें ये सब खेलते हैं, सब मिलके जो है वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम बनाते हैं, तो ये आपका कैरिबियन सी है और काफी बड़ा है आप देख सकते हो, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट सागर की तरफ, अगला सागर है बैरिंग सी, बैरिंग सी इज द लोकेटेड बिटवीन अलास्का एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न रसिया, तो अमेरिका में एक अमेरिका का एक भाग है अलास्का, और एक जो हमारा रशिया कंट्री है उसके उत्तरी पूर्वी भाग को मिलाता हुआ ये सागर है, इसको हम बोलते हैं बैरिंग सी, और ये क्या करता है, ये आपका जो है बैरिंग जो स्ट्रेट है इसको सेपरेट करता है, तो बैरिंग सी अलग है बैरिंग स्ट्रेट मतलब बेरिंग जल संधि, जल संधि है बैरिंग जल संधि, और ये बैरिंग सी बैरिंग सागर है, और इसका एरिया कितना है, 22 लाख, करीब 22 से 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बीच में है, अभी देखते हैं कहाँ पे है ये, तो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे और हम चलेंगे रूस की तरफ, रशिया, तो रशिया हमारा यहाँ पे है भारत के उत्तर में, ओके इसको मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा रशिया है, और यहाँ हम रूस के जाएंगे पूरब में जाएंगे रूस के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा पार्ट, ये रूस है और रूस, और यहाँ पे ये रहा अलास्का, ये वाला पार्ट अलास्का है और ये रूस है, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो संधि है उसको बोलते हैं हम बेरिंग, बेरिंग सी। तो यहाँ पे आप बेरिंग सी देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कुछ चकवी सी करके है, और इन दोनों को जोड़ता है यहाँ पे जो है बेरिंग सी, तो ये आप देख सकते हो ये बेरिंग सी है यहाँ पे, और इसको जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा बेरिंग सी, ये है आपका बेरिंग सी, और ये वाली जो जल संधि है ना, ये दोनों को ऐड कर जोड़ती है आपका रूस को, और ये रूस है आपका और ये अलास्का है, और इन दोनों को जोड़ने का काम करती है आपकी बेरिंग संधि, और यहाँ पे ये है आपका बेरिंग सी, तो इस तरीके से ये जुड़ आपका जुड़ता है। ये बेरिंग सी में आप देख सकते हो कौन कौन है, यहाँ पे आपका रूस है, यहाँ पे आपका अलास्का है, अलास्का जो है आपका अमेरिका का पार्ट है, अगर मैं इसको दिखाऊं आपको अलास्का को ठीक से, तो ये देखिए ये अलास्का है और ये आपका अमेरिका है, तो अलास्का और अमेरिका एक मतलब अलास्का जो है आपका अमेरिका का ही पार्ट है, ठीक है। अभी बेरिंग सी हमने देख लिया, अभी देखते हैं और कौन से सागर है यहाँ पे। अगला है मेडिटेरेनियन सी, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर। मेडिटेरेनियन सी इज सिचुएटेड बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका, तो आपका यूरोप और अफ्रीका और एशिया तीनों महाद्वीपों के बीच में आपको दिखेगा ये भूमध्य सागर, एंड इट इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशियन एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, करीब 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये, और अगर इसको हम देखेंगे तो कहाँ पे है, तो ये आपका अफ्रीका है और यहाँ पे यूरोप है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है और ये एशिया है, और तीनों के जस्ट बीच में यहाँ पे आपको दिखेगा भूमध्य सागर, ये आप देख सकते हो ये है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं इसको भूमध्य सागर, और इसमें कई सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका इजिप्ट है, फिर आपका यहाँ पे लीबिया है, अल्जीरिया है, यहाँ पे मोरक्को है, कई सारी कंट्रीज आपको दिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, इसके अलावा कुछ यहाँ पे आपकी बालकन कंट्रीज हैं, बालकन कंट्रीज में अल्बानिया है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, और बहुत सारी कंट्री दिखेंगी आपको यहाँ पे भूमध्य सागर के आसपास। आपको एक आइलैंड भी दिखेगा जिसको हम बोलते हैं साइप्रस, ये कंट्री भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका भूमध्य सागर में आता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ आइलैंड है यहाँ पे जो काफी फेमस है, जैसे कि इटली में आपको एक द्वीप मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सिसली, वो भी आपका जो है यहीं पे आता है। इसके अलावा सार्डिनिया यहाँ पे आपको मिलेगा, ये भी आपका जो है यहीं पे आता है, उसके अलावा कोर्सिका है जो द्वीप है वो भी आता है, तो ये सब काफी फेमस जो है आइलैंड है। अभी वापस चलते हैं और देखते हैं अगला सागर कौन सा है, तो अगला है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको एक खाड़ी है जो काफी बड़ी है, तो ये सागर नहीं है लेकिन काफी बड़ी जो है जल जल की आपकी ये जल का भंडार है, तो यहाँ पे आप अगर कैरेबियन सी को आपने देखा होगा तो सिंपली आपको थोड़ा सा उत्तर में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी, ये जो है तीन ओर जो है तीन ओर आपका जो है भूमि से घिरा हुआ है, तो यहाँ देख सकते हो आप तीन ओर स्थल से घिरा हुआ पार्ट है ये, और एक साइड यहाँ पे जल जल से घिरा हुआ भाग है, तो इसलिए इसको जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, और यहाँ पे आपकी मैक्सिको नाम का एक देश है, इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे ये अमेरिका के राज्य हैं, जैसे कि ल्यूसियाना है, कुछ यहाँ पे ल्यूसियाना है, अलाबामा है, फ्लोरिडा है, और यहाँ पे टेक्सास है, तो ये सारे जो आपके अमेरिका के राज्य यहाँ पे आते हैं, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी हम चलते हैं देखते हैं और कौन कौन से यहाँ पे आपके सागर हैं, तो अगला है सी ऑफ ओकोटस्क, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका एक कमचटका जो प्रायद्वीप होता है जिसको हम कमचटका पेनिनसुला बोलते हैं इंग्लिश में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो हम सिंपली पहले चलते हैं वहां पे और देखते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ गाइस, ये देख सकते हो आप भारत, और इसके इधर चलते हैं थोड़ा सा, तो ये रहा हमारा रशिया है, रशिया के हम पूरब में चलेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रशिया के पूरब में
ये यहाँ पे ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी ऑफ ओखोटस्क। सी ऑफ ओखोटस्क ये है, थोड़ा सा ये हमारा गूगल अर्थ टेढ़ा हो गया है इसलिए थोड़ा नीचे हो गया, बट ये अगर हम इसको सीधा करेंगे तो ये कुछ अलग दिखेगा। तो ये आपका सी ऑफ ओखोटस्क है, और इसके उत्तर में आप देख सकते हो यहाँ पे ये है रशिया, और यहाँ पे भी रशिया है, रशिया ने इसको तीन तरफ से घेरा है। और ये आप देख सकते हो ये है कमचटका प्रायद्वीप बोलते हैं इसको हम, कमचटका पेनिनसुला है ये, और इसके यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा सी ऑफ ओपिटस। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये करीब 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और यहाँ पे आपको क्यूरिल आइलैंड और नॉर्दर्न ईस्टर्न रशिया जो है देखने को मिलेगा। तो एक यहाँ पे आइलैंड भी है जिसको हम बोलते हैं क्यूरियल आइलैंड, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्यूरियल आइलैंड दिखा देते हैं कहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये पूरी एक आइलैंड की चेन है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आइलैंड की जो पूरी चेन है ये क्यूरियल आइलैंड बोलते हैं इसको, और ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सी ऑफ ओखोटस्क है, यहाँ पे रशिया है, चारों तरफ तीन तरफ से घिरा हुआ है, और यहाँ पे क्यूरिल आइलैंड है जो रशिया को जापान से कनेक्ट करता है। अभी और देखते हैं इसमें क्या है। तो एक हडसन बे करके है, वो आपको कनाडा में मिलेगा, और ये सेकंड लार्जेस्ट बे है इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी खाड़ी है। और ये कितनी है करीब, ये करीब 12.3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये हडसन बे है, और उसके बाद फिर है रेड सी, और ये आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न अफ्रीका में है, और ये अरेबियन जो पेनिनसुला है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को हम एक साथ देख लेते हैं। तो पहले हम चलते हैं गूगल अर्थ पे, और यहाँ पे हम चलेंगे, ये दक्षिण अमेरिका है, हम चलेंगे उत्तरी अमेरिका की तरफ, और उत्तरी अमेरिका में अगर आप जानते होंगे तो ये है कनाडा। तो कनाडा में हम जाएंगे और इसको जूम करेंगे, तो कनाडा के आप अगर यहाँ पे उत्तर में देखोगे तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हडसन बे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा हडसन बे। हडसन बे जो है आपका तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ, तीन ओर आपका स्थल से घिरा हुआ पार्ट है जो तीनों ओर से कनाडा से घिरा हुआ है, और यहाँ पे काफी बर्फ जमी रहती है क्योंकि ये काफी उत्तरी भाग में आता है। और लास्ट है आपका जिसको हम बोलते हैं लाल सागर या रेड सी, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट के बीच में। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है यानी अफ्रीका महाद्वीप है, और ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में आपका ये जो सऊदी अरेबिया का भाग है जिसको हम बोलते हैं अरबियन पेनिनसुला या अरबियन प्रायद्वीप, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अफ्रीका और अगर हम एशिया के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेड सी। तो एक तरह से ये अफ्रीका और एशिया के बीच में चैनल है जो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपका स्वेज नहर है, स्वेज कैनाल बोलते हैं जिसको, और ये स्वेज कैनाल जो है आपका भूमध्य सागर को, ये जो आपका भूमध्य सागर हमने देखा अभी मेडिटेरेनियन सी, और लाल सागर को आपस में कनेक्ट करती है स्वेज नहर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और फिर यहाँ पे ये रेड सी जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन कनेक्ट होता है। तो रेड सी आपका भूमध्य सागर और गल्फ ऑफ अदन को कनेक्ट करता है, और यहाँ पे कई सारे आपको देश देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इजिप्ट है आपका, यहाँ पे एक और कंट्री है जिसको हम बोलते हैं इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, तो ये सारी कंट्री जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, और यहाँ पे यमन, यमन नाम की कंट्री है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो इसराइल का कुछ पार्ट भी जो है इसी में आता है। तो गाइस हमने आज के वीडियो में दुनिया के 10 जो सबसे बड़े जो सागर हैं उनके बारे में देखा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।